वेलकम फ्रेंड्स, रेशमा शर्मा कुकिंग किचन में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं एकदम इजी रेसिपी बना रही हूँ, इमली। तो फ्रेंड्स, इमली को हम गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इमली हमारी बिल्कुल ताज़ी है, उसे हाथ से मैं इसके बीज को निकाल रही हूँ, निकाल के मैं साइड कर दूँगी। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसे मिक्सर से ग्राइंड करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे मिक्सर से ग्राइंड करने की ज़रूरत है। ये मैं छलनी से छान ली और छानने के बाद उसके जो पार्ट्स हैं उसको मैं हटा दी हूँ। और इमली के पानी हमारी पूरी तरह रेडी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे छान ली। हम इमली को 20 मिनट तक गर्म पानी में रखेंगे और हमें इसे मिक्सर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, थोड़ा सा सरसों का तेल या आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। जीरा डाली मैं, थोड़ा सा हींग डाली। आप हींग को स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब जीरा है तो जीरा ही डाल के बना सकते हैं। अब मैं इमली के पानी को जो निकाली हूँ वो मैं डाल दूँगी कढ़ाई में, और स्वाद के अनुसार आप गुड़ या चीनी, दोनों में से कोई एक चीज़ डाल सकते हैं। मैं गुड़ डाली हूँ फ्रेंड्स। गुड़ की इमली की चटनी बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है। अब मैं हाफ टेबल स्पून नमक डाली और हाफ टेबल स्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, 15-20 मिनट में हमारी इमली की चटनी के कलर कितना प्यारा आया है, कितना कलर। और इसे हम एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रीज में आराम से इसका मज़ा ले सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइटम को दबाइए। थैंक यू।